तो बच्चों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी वास्तव में क्या है कि मोलारिटी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक रिप्रेजेंटेशन, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और कॉन्सेंट्रेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए हम डिफरेंट टर्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मोलालिटी हो गई, परसेंटेज वेट बाई वेट हो गया। तो उनमें से एक रिप्रेजेंटेशन हमारा जो जो है वो है मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी की बात करने से पहले हम बात करें सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एक्चुअली उस चीज़ को हम बोलते हैं कि जो कम मात्रा में घोला गया है, यानी कि यहाँ पर दो रूल काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया जो लिक्विड है, ठीक है, लेकिन हमने मिलाया सॉलिड और एक दूसरा कंपोनेंट लिक्विड, तो जो सॉलिड उसमें होगा और मिलने के बाद दोनों लिक्विड बने, ध्यान दें सॉलिड और लिक्विड को मिला के लिक्विड बना, तो सॉलिड वहाँ पे कहलाएगा सॉल्यूट और जो लिक्विड कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। तो एक तरीके से हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है कि अगर दो लिक्विड को मिलाकर हम सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्यूट का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए 1 मोल इथाइल एल्कोहल है और 9 मोल वाटर है, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और इथाइल एल्कोहल यहाँ पे सॉल्यूट होगा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, 9 मोल इथाइल एल्कोहल और 1 मोल हम वाटर ले लें, तो वाटर यहाँ पे सॉल्यूट बन जाएगा और इथाइल एल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहले डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे थे, मोलारिटी की। ठीक है, तो मोलारिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। यानी यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो सॉल्यूट है एक सॉल्यूशन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक चीज़ है सॉल्यूट और एक चीज़ है सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूट के लेने हैं मोल्स और सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अब मैं इसका फार्मूला लिखूं कि मोलारिटी का फार्मूला क्या है, कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं मैं, सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, ई लीटर में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं इसका फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, एन से रिप्रेजेंट कर दूँ मोल्स को, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, इन लीटर। ये इसका फार्मूला हो गया। शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें अगर अपन इसे, तो हम इसे बोलेंगे एन अपॉन वी, और ये फार्मूला मैं लिख दूँ एम। अगर हम यूनिट इसकी बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। ठीक, अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है कि हमने 2 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन, 2 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें मुझसे पूछा जाएगी व्हाट इज मोलारिटी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो यूरिया यहाँ है बोल रहा है दिस यूरिया इज वर्किंग एज ए सॉल्यूट। ठीक है, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे कितना दे दिया, 5 लीटर। यहाँ पे ये चीज़ है n, तो मैं सिंपली मोलारिटी कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अपना पास कितना है, 5, तो ये आ गया अपने पास 0.4, और साइन हम इसका कैपिटल M लगा देंगे। तो अगर मान लीजिए कहीं पर कैपिटल M लगा हुआ है तो कैपिटल M सिग्निफाइज मोलारिटी टर्म। ठीक है, तो मोलारिटी के बारे में मुझे पता चल जाएगा। अब मैंने जैसा कि फार्मूला लिखा है कि m इज इक्वल टू n अपॉन v, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल टू m इंटू v। तो इसका मतलब अगर कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूँ कि मैंने ले लिया कि 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है ना, 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, और इसका ले लिया मैंने 3 लीटर, तो इसमें मोल H2SO4 कितने पड़े होंगे, मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं वॉल्यूम से
तो देर आर सिक्स मोल, और सिक्स मोल जो है मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलते हैं, बराबर मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान देना आप इस बात पे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे किस में रखना है, ml में। मिलीलीटर में अगर मैं रखूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मिलीमोल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लूँ कि 200 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, अगर मैंने ये चीज़ बोली, ठीक, तो इस केस में मैं सीधा नंबर ऑफ मिलीमोल निकाल सकता हूँ। किसके मिलीमोल निकालूंगा मैं, H2SO4 के। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 मुझसे पूछ लिया मान लो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मोलारिटी जो हमें दी हुई है 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ml में रख दूंगा, तो मिलीमोल हो गए 400। अब हमें ये पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल, 1000 मिलीमोल। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। तो जैसे ये टर्म है 400 मिलीमोल मेरे पास है, तो मैं इसको मोल में चेंज करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 400 अपॉन 1000 करके मैं इसको मोल में चेंज कर लूँगा, और ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0.4 मोल। तो आप मिलीमोल को मोल में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काम आने वाली बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कि मिलीमोल के अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मोलारिटी में एक सिंपल सी प्रॉब्लम हम लेते हैं कि 200 ml ऑफ 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर सो दैट फाइनल मोलारिटी बिकम्स 0.5 कैपिटल एम, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, H2O एडेड। अब देखिए, आप ये समझिए कि हमने एक्चुअली यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार किया था, और इस सॉल्यूशन में हम वाटर जो है इसमें ऊपर से मिला रहे हैं डाइल्यूट करने के लिए। तो जो इसमें सॉल्यूट पड़ा हुआ था वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इनिशियली N1 मोल थे और बाद में N2 मोल थे सॉल्यूट के, तो बराबर होंगे, N1 इज इक्वल टू N2। तो N1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, M1V1, और N2 को क्या लिख सकता हूँ, M2V2। चूँकि मोल मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, मोलाइटी इंटू वॉल्यूम। तो मेरे पास इनिशियल मोलाइटी जो क्वेश्चन में दे रखी है 2 कैपिटल एम है, वॉल्यूम मेरे पास ऊपर देख लें अपन, वॉल्यूम 200 ml था, ठीक है। तो 200 ml ये वॉल्यूम था, फाइनल मोलाइटी डाइल्यूशन के बाद 0.5 कैपिटल एम है। तो अननोन यहाँ इस फार्मूले में क्या बचा, V2। अगर हम V2 निकालते हैं तो V2 यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना जाएगा, 800। अब 800 ml इज द फाइनल वॉल्यूम। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमने 200 ml शुरू में लिया था, इसमें वाटर ऐड किया था, और फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 800 ml। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है ये कि वाटर कितना एडेड है। तो वाटर एडेड वास 800 माइनस 200, सो द आंसर इज 600। तो एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि मोलाइटी में कैसे मोलाइटी चेंज होती है डाइल्यूशन के बाद। डाइल्यूशन हम किससे कर रहे हैं, वाटर से, ठीक है। तो मोलाइटी का एक सिंपल फार्मूला आप देख ही चुके हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। मोल किसके, सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का लीटर में होना चाहिए, ठीक है। यानी फार्मूला एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी, और मोल निकालने हैं एन तो मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, और अगर मिली मोल निकालने हैं तो मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मस्ट बी इन मिली लीटर, ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है इंटर कन्वर्जन, कि कॉन्सेंट्रेशन की एक टर्म से दूसरी टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, इज टेकन, और हमसे पूछ लिया है कि व्हाट इज मोलारिटी,
चलिए व्हाट इज मोलारिटी। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये है इंटर कन्वर्जन की प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें अपन को सावधानी से सोल्व करना होता है, ठीक है। पहले तो आप ये जान लो कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। इसका मोलर मास आप निकालोगे तो कितना आएगा, 60, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन अपन कितना लेते हैं, 14, हाइड्रोजन लेते हैं 1, कार्बन लेते हैं 12, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ने पर हमारे पास टोटल मोलर मास आ जाएगा 60। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो दी है 10% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। W बाई वी का मतलब, W मतलब वेट और V मतलब वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 10% हमेशा हम कितने में से बताते हैं, 100 में से। तो ये हो गया है कि 10/100, ठीक है। तो अब ऊपर वेट है तो मैं लिख दूंगा ग्राम, ठीक है। नीचे वॉल्यूम है तो मैं लिख दूंगा ml। 100 ग्राम किसका, यूरिया का, और 10 ग्राम किसका, यूरिया का, और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसको मैं एनालाइज करूं थोड़ा और आगे बढ़ के तो मैं कह सकता हूं कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस, ठीक है, 10 ग्राम यूरिया। अब यूरिया एक्चुअली किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। मोलारिटी यदि निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में, और वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए सॉल्यूशन का, किस में होना चाहिए, लीटर में। तो 100 ml को यदि मैं लीटर में चेंज करता हूँ तो ये आ जाता है 0.1 लीटर, सही है। और 10 ग्राम यूरिया के मैं मोल निकालूँ तो वेट अपॉन मोलर मास इसका 60 अपन लिख चुके हैं, तो ये कितना आ गया, 1/6। अब अपन आ जाते हैं किस चीज़ पे, कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलारिटी है N/V, मोल आ गया मेरे पास 1/6 और वॉल्यूम है 0.1। यहाँ मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा 10/6, और आंसर में मैं कैपिटल M लगा दूंगा। कैपिटल M किसको डिनोट करता है, मोलारिटी टर्म। तो इस तरीके से हमने इसके यहाँ पे क्या सीखा है कि मोलारिटी का टर्म किस तरीके से लिखा जाता है और मोलारिटी कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है, ठीक है।